नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अरविंद कुशवाहा फिर से एक मज़ेदार गॉसिप लेकर आया हूं आपके लिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा आजकल ट्रोल्स के लपेटे में हैं। ट्रोल्स सोशल मीडिया में उनकी जमकर वाट लगा रहे हैं। नहीं मान रहे आप तो खुद ही देखिए। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? अब से देखूं, ए सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम। मुझे भी यही लग रहा है, सीता। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? ऑप्शन रखूं, ए सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम। मुझे भी यही लग रहा है, सीता। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दरअसल केबीसी के एपिसोड में शामिल होने पहुंची दबंग गर्ल से रामायण से जुड़ा बेहद आसान सवाल पूछा गया। वो सवाल जिसका शायद नर्सरी का बच्चा भी बखूबी जवाब दे दे। लेकिन साहब, मामूली से सवाल पर सोनाक्षी बगले झांकने लगी। थक हार कर एक मामूली सवाल के लिए उन्हें लाइफलाइन का सहारा लेना पड़ गया। सवाल बस इतना सा था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए ले गए थे। सोनाक्षी सिन्हा ने तो डम होने में आलिया भट्ट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बेटी पढ़ाओ कैंप को हवा देने वाली सोनाक्षी खुद कितनी पढ़ी लिखी हैं ये इस वीडियो से साफ हो गया है। ये हाल तब है जब सोनाक्षी के चाचाओं का नाम राम, लक्ष्मण, भरत और पापा का नाम शत्रुघ्न है। इतना ही नहीं, सोनाक्षी जिस बंगलों में रहती हैं उसका नाम रामायण है और इनके दो भाई लवकुश, मतलब भाइयों रामायण के पूरे पात्र इनके घर में ही हैं। वीडियो रातों रात सुर्खियों में आया और ट्रोल्स ने सोनाक्षी की जमकर टांग खींची। खैर, इस वीडियो के सामने आने के बाद आलिया ज़रूर राहत की सांस ले रही होंगी कि चलो बेवकूफ़ी में कोई उन्हें टक्कर देने मार्केट में तो आया। कैसा लगा आपको वीडियो और डम गर्ल, ओ सॉरी दबंग गर्ल के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जो सब्सक्राइब बटन है तो डालिए इसे, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं।